नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एंड यू आर वाचिंग हेल्पलाइन प्लस। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप यूट्यूब पर कैसे वीडियो अपलोड करेंगे, कैसे उसे मोनेटाइज करेंगे, कैसे टाइटल करेंगे, टाइटल लिखेंगे, टैगिंग वगैरह जो भी है डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बताऊँगा। मैं लॉग इन हो चुका हूँ अपने आईडी में, ठीक है। तो आपको जाना है माई चैनल में, वीडियो मैनेजर, क्योंकि मैंने अभी इसमें एक भी वीडियोज अपलोड नहीं किए। पर क्लिक करना है, अपलोड का जो आइकन है उसमें क्लिक करना है। यहाँ पर आप क्लिक करें, कोई भी एक वीडियो जिसको आप अपलोड करना चाहते हैं वो देख लें, ठीक है। ऐसे अपलोड करता हूँ, ये सारी वीडियो जो है लाइव है, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए पूरी वीडियो को देखें तभी बात आपको पूरी समझ में आएगी। और ये जो अपलोडिंग है ये नेट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना टाइम आपका लगेगा, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ज़्यादा एमबी का रहेगा तो थोड़ा लंबा भी ले सकता है। इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन में ये देखिए, पब्लिकली अनलिस्टेड मतलब आप जिसे जो आपको सब्सक्राइब किया होगा उसको लिखिएगा, प्राइवेट मतलब सिर्फ आपके लिए, पास पब्लिकली रहता है बाई डिफॉल्ट, ठीक है। और ट्रांसलेशन में आप आ जाइए, इसमें लैंग्वेज वगैरह जो है आप ट्रांसलेट कर सकते, मतलब किस लैंग्वेज में आपको रखना है ये, इसका भी कुछ खास ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। ये वीडियो अपलोडिंग में लगी हुई है, ये देखिए वीडियो लोकेशन बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया ही लेता है, देखो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये इंडिया लेगा, ठीक है। इससे आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे अगर आप USA रखना चाहते हैं USA यहाँ पर टाइप करके सर्च कर दीजिएगा, बाई डिफ़ॉल्ट USA ले लिया, बट मैं इंडिया रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो इंडिया रखना चाहता हूँ तो ये इंडिया ही मिलेगा बाई डिफ़ॉल्ट में, ठीक है। लैंग्वेज आप कुछ भी रख सकते हैं, बट लैंग्वेज रखने की ज़रूरत नहीं है। डेट कौन सा रखना चाहते हैं, टुडे, या फिर आप जो भी डेट यहाँ रखना चाहेंगे डेट रख सकते हैं, जिस दिन ये वीडियो जनरेट हुई है, ठीक है। स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस जनरली मैंने आपको इस लास्ट वीडियो में बताया था, स्टैंडर्ड वीडियो लाइसेंस यूट्यूब लाइसेंस के बारे में। हमारा ये वीडियो अपलोड हो चुका है, तो इससे हम पब्लिश यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये वीडियो पब्लिश हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए ये हमारा वीडियो पब्लिश हो चुका है। आप यहाँ से ये सब साइट से आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं डायरेक्टली। ऐसे फिलहाल तो मैं अभी चलता हूँ माई चैनल, ताकि मैं इस वीडियो में आपको क्या क्या और करना है ये चीज़ बता पाऊँ। वीडियो मैनेजर में क्लिक करेंगे, वीडियो मैनेजर वीडियोज़ में ये पब्लिकली व्यू है, ठीक है। अगर इसे एडिट में जाएंगे, ठीक है, एडिट में गए, अब इसे यहाँ पब्लिक की जगह मैं अगर प्राइवेट कर दूंगा एंड सेव चेंज, तो फिर वीडियो में जाने के बाद ये देखिए यहाँ पर ये लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो ये लॉक होता है, इसे मैं अभी पब्लिकली ही रहने दूंगा। पब्लिक में क्लिक कर देंगे एंड एडवांस सेटिंग में हम जा चुके हैं, एडवांस सेटिंग में सारा हमारा हो चुका है जो भी करना है, ठीक है। तो इसमें हम सेव मैनेजर कर देते हैं, सेव चेंज हो गया, ये हो गया वीडियोस हमारा सेट। अब एडिट में जाएंगे, अब इसमें हम कस्टम थंबनेल भी रख सकते हैं कि आप अगर इस थंबनेल के अलावा कोई और थंबनेल रखना चाहते हैं, तो जैसे मैंने ये थंबनेल बना रखा है पहले से, थंबनेल को सेट कर देंगे। यहाँ पर साइज दिया रहता है, उस साइज वाइज ही इस थंबनेल को सेट करना है, ये थंबनेल शो ऐसे होगा, ठीक है। तो सेव चेंज कर देंगे। यहाँ पर आप टाइटल जो है अपना लिख सकते हैं, हाउ टू सेट बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अब यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन वीडियो के बारे में लिख सकते हैं, मैक्सिमम डिस्क्रिप्शन लिखिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये वीडियोस मतलब डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन और टैगिंग पर ज़्यादा व्यूज होते हैं, ठीक है। तो इन दिस वीडियो आई विल शो यू हाउ टू बाय डिफॉल्ट
पिक्चर्स और योर यूट्यूब चैनल। ठीक है, इस तरह से आप पूरी डिस्क्रिप्शन जो है डिटेल पूरी तरह से इसमें भर सकते हैं, जो भी डिस्क्रिप्शन हो उसका। टैगिंग में आप कुछ भी दे सकते हैं, मतलब उससे रिलेटेड जो भी हो, किस तरह से आदमी फाइंड खोजते हैं जनरली यूट्यूब के, यूट्यूब में किस तरह से खोजते हैं, उस तरह का नाम सोच कर आप इसमें टैग कर सकते हैं। अगर वो आदमी खोजेगा, टाइप करेगा, तो इस वीडियो उनको विजिबल होगा। तो हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन एंड एंटर। ठीक है, तो ये टैग हो चुका है एंड सेव चेंज। इस तरह से आप बहुत सारा टैगिंग डाल सकते हैं। अब आते हैं हम कम्युनिटी चैनल। ठीक है, चैनल में आते हैं। अब यहाँ पर करना क्या है कि सेट डिफॉल्ट, यहाँ पर हमें इनेबल करने के लिए एक बार ट्राई करना होगा। मोनेटाइज इनेबल करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर जो टूल स्टार्ट होगा, ठीक है, तो रीड एंड एग्री द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम्स टर्म्स। ठीक है, स्टार्ट यहाँ पर कर दीजिए, तीनों में ओके, कोई ज़रूरत नहीं ऐसे पढ़ने की, पढ़ भी सकते हो आप, बट ये सारा का सारा उसमें कोई एडिशन तो कर नहीं सकते हैं, तो आपको एग्री करना होगा। साइन अप द एडसेंस अकाउंट, एडसेंस अकाउंट के साथ साइन अप करेंगे तभी आप जो है आपके वीडियो पर जो एड्स आएंगे मोनिटाइज होने के बाद, तो उसका पैसा एडसेंस के थ्रू ही मिलता है। ठीक है, तो क्रिएट ए न्यू एडसेंस अकाउंट और कंटेंट एंड एक्सिस्टिंग वन ऑफ योर चैनल यू नीड टू एडसेंस अकाउंट टू गेट पैड। ठीक है, तो इसमें स्टार्ट कर देंगे, आप क्लिक करेंगे स्टार्ट पर। ठीक है, तो इसमें आइएगा, फिर ये नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करना है। ये देखिए, तो ये हो गया हमारा योर अकाउंट। अब इसमें हम साइन इन करेंगे, दो साइड है। ठीक है, साइन इन करेंगे जैसे ही, ऑटोमेटिकली ये साइन इन हो चुका है हमारे इसी गूगल एडसेंस से। यूट्यूब प्लस देख सकते हैं आप, यूट्यूब प्लस एडसेंस ऑटोमेटिकली जो है बाय डिफॉल्ट आपका ये जो यूट्यूब का वेबसाइट है वो ले चुका है। ठीक है, एंड सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है आपको। ये देखिए, ये इंडिया टाइम जोन आपको कोलकाता लेना है, ये खुद ही बाय डिफॉल्ट सेट लेगा आपको जो एडसेंस का सारा सेटिंग्स। देखिए, ये टाइम जोन आपको सेलेक्ट करना है, 5 समथिंग आता है, 5:30 आता है इंडिया का, कोलकाता जोन में आएगा। तो आप यहाँ देखिएगा 5:06, 5:30, 5:30, ये काठमांडू है ना, 5 कोची, देखिए 5:30, 5:30 कोलकाता, देखिए UTC 5:30 कोलकाता में क्लिक कर देंगे। ये हो गया इंडिया जोन। अकाउंट टाइप आप इंडिविजुअल ही रहने दीजिएगा, बिजनेस नहीं करना, ये टैक्सेबल हो जाएगा, टैक्स के अंदर आ जाएगा। एड्रेस में आप लिख सकते हैं कुछ भी जो आपका एड्रेस है। ठीक है, एड्रेस लाइन जो हमारा एड्रेस है, ठीक है, एंड इसमें आप क्लिक कर भी सकते हैं, क्लिक कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं, ऑप्शनल है। मैं क्लिक कर ही देता हूँ, ये सारे फीचर्स हैं। ठीक है, सबमिट, वो चेक कर लिया आप अच्छे से। देखिए, ये सारा सबमिट करने वाली टर्म्स एंड कंडीशन, यस करके एक्सेप्ट। नेक्स्ट स्टेप है स्टार्ट सेव। ये आपका एड्स है, कैसे कैसे आपका एड्स आएगा, ये रेड वाला जो ये एड्स का शो है, कैसे कैसे ये नीचे में आएगा, ये साइट में, ये पूरा स्क्रीन पर सारा का सारा क्लिक किया हुआ है। सेव, टू गेट रिव्यू आफ्टर रीचिंग 10,000 व्यूज, मतलब यूट्यूब की जो नई टर्म्स पॉलिसी है उसके हिसाब से 10,000 व्यूज के बाद ही आप अपने चैनल को फुल्ली मोनेटाइज कर सकते हैं, क्योंकि तो अभी यहाँ 0 व्यू है। 1 महीना पहले डायरेक्टली जो है मोनेटाइज हो सकता था,
बट अब ये कम्युनिटी गाइडलाइंस के अंदर आ गया है, इसके वजह से 10,000 व्यू जैसे आप दिख रहा है, चल 10,000 व्यूज के बाद ही आप मोनेटाइज इनेबल हो सकता है। तो बाकी तीनों प्रोसेस हो चुका है, अब ये वीडियो 10,000 व्यूज के बाद ये कंप्लीट होगा। तो इस तरह से हम 10,000 व्यूज के बाद ही अब जो करना है मोनेटाइज होगा कम्प्लीटली। बाय डिफॉल्ट सेट में है, सेट डिफॉल्टिंग में आप यहाँ पर मतलब जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था वीडियो में कैसे आप हर वीडियो को पब्लिकली शो कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ अनलिस्टेड कर दूंगा तो बाय डिफॉल्ट सारा का सारा वीडियो अनलिस्टेड या प्राइवेट करूंगा तो प्राइवेट शो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पब्लिकली रहने देते हैं। यहाँ पर कैटेगरी क्या है, मर्जी ज़्यादा है तो एंटरटेनमेंट ही होगा। लाइसेंस जो है स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस, इसके थ्रू क्या हुआ कि स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस रहने से कोई भी आपकी वीडियो को यूज़ नहीं कर सकता, यूज़ करेगा तो उसको क्लेम आ जाएगा कॉपीराइटेड का या फिर स्ट्राइक लग जाएगी उसके चैनल पे। एंड क्रिएटिव कॉमन्स मतलब ये हो जाएगा कि आपकी वीडियो को कोई भी यूज़ कर सकता है, ठीक है, इसमें उसको कोई क्लेम नहीं आएगा। टाइटल तो मैंने बता दिया, डिस्क्रिप्शन आप जितना ज़्यादा ज़्यादा लिख सके वीडियो के बारे में उतना ज़्यादा बेटर होगा। टैगिंग मैंने आपको बताया, टैगिंग मैक्सिमम आप करो, जिस तरह जितने तरीके से वीडियो को फाइंड किया जाता है यूट्यूब पर, आपको जितना मैक्सिमम याद रहे उतना आप उसमें टैग लगा सकते हो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। इसका भी कोई लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट के अंदर ही आपको करना है। कमेंटेड रेटिंग, ऑल अमाउंट्स, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ऐड फॉर्मेट, तो किस तरह से फॉर्मेट आपको एड्स वगैरह आएगा, सारा का सारा मैं क्लिक किया हुआ है। एड्स ब्रेक मतलब ऑटोमेटिकली मेट्रो एड्स में भी आप क्लिक कर दीजिए, जब आपका मोनेटाइज हो जाएगा फुल्ली तो ऑटोमेटिकली जो है बीच में एड्स वगैरह आ सकता है, जिससे आपको क्योंकि एड्स पर ही पैसे बनते हैं यार, तो एड्स तो ज़रूरी है ना, तभी तो आपको पैसे बनेंगे। वीडियो लैंग्वेज में कुछ है नहीं, कम्युनिटी कंस्ट्रक्शन, अलाउ व्यूअर्स कंट्रीब्यूशन, ट्रांसलेट टाइटल, इसमें भी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कैपिटल कैप्शन सर्टिफिकेशन, दिस कंटेंट इज नेवर एराइट, तो इसमें भी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सो वीडियो लोकेशन बाय डिफॉल्ट इंडिया तो लिया हुआ है, ठीक है। इसमें आप कर दीजिए शेव, कुछ भी अल्ट्रेशन आप कर सकते थे। यू हैव एक्सेप्टेड टर्म्स एज बाय डिफॉल्ट, क्योंकि मैंने अभी कुछ एडिट किया नहीं है तो सेव भी नहीं कर सकते ना। मैंने जैसे कि जैसे वीडियो को कंप्लीट कर दिया है। फीचर कंटेंट में अगर आप आते हैं तो सेट चैनल आईडी एड्स, इसमें भी जब तक मोनेटाइज नहीं होगा तो इसका कोई काम है नहीं। ब्रांडिंग में अगर हम आते हैं तो यहाँ पर आप कुछ भी सेट कर सकते हैं कि आपके वीडियो में जो है आएगा। रिमूव पहले इसको कर देना जो पहले से मैंने यहाँ सेट करके रखा है, इसे रिमूव कर देना है। एंड एड वाटरमार्क्स, एड वाटरमार्क्स करेंगे क्योंकि जब आप रिमूव कर देंगे, जब आप न्यू करेंगे तो यहाँ पर ब्रांडिंग बना दे एड्स वाटरमार्क पूछेगा, तो आप कोई भी जो है अपना क्या दिखाना चाहते हो। तो मैं इसमें आता हूँ वर्क फाइल में, यहाँ पर यूट्यूब में मैं ये यूट्यूब दिखाना चाहता हूँ, सेव कर देंगे, सेव हो गया। सेव होने के बाद मैं सेव कर दूँगा यहाँ से, तो ये आपको वीडियो के साइड में इस तरह से दिखेगा आपको। 5 सेकेंड स्टार्टिंग टाइम, 5 सेकेंड से, ठीक है, कस्टम नहीं, इंटायर वीडियो मतलब पूरी वीडियो में, ठीक है। एंड अपडेट, ये वीडियो में आपकी ये पूरा वीडियो के स्क्रीन में साइड में ये दिखेगा आपको। एडवांस में देखते हैं क्या है, ये देखिए आपका टेक्स्ट मैंने जो आपको बताया था, कुछ टाइम लगा बट ये आ गया आपका प्रोफाइल पिक्चर। एडवांस में जस्ट डिशेबल इंटरेस्टेड बेस्ट एड्स, नहीं ये तो एड्स रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लिंक एड्स एडवर्ड अकाउंट, ये सब तो मुझे अभी करना नहीं है, जब तक मोनेटाइज नहीं होगा फुल्ली तब तक हम कुछ कर नहीं सकते हैं। एनालिटिकल, तो ये जब वीडियो आपकी मोनेटाइज हो जाएगी तो यहाँ पर आपका एक शो करेगा चार्ट टाइप का, क्या आपका व्यू हुआ, क्या मतलब वो सारा कुछ, रेटिंग, रेवेन्यू रिपोर्ट वगैरह जो है सारा कुछ। उसके बाद जो है ये सारा का सारा ये प्लेन है, कुछ है नहीं इसमें, अभी मैंने जस्ट वीडियो अपलोड ही किया है। उसके बाद आपका देखिए ये वीडियो आपकी है, डेट इतना, एस्टिमेटेड 40 आवर्स, 0 0 सारा कुछ अभी 0 है।
एंड क्रिएट। क्रिएट में अगर आप आते हैं, इसमें आप जो है सारा इस वीडियो में कोई भी आप जो भी मैंने सीसी के लिए बताया था, ये वीडियो इफेक्ट में अगर आप आएंगे या सीसी, इससे आप अपना ये वीडियो खोज सकते हैं, कॉमन क्रिएटिव जिसको आप अपलोड कर सकते हैं, सॉन्ग डाल सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपको इसका यूज़ करना है कॉमन क्रिएटिव का, कैसे आप किसी वीडियो के का जो है बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड साउंड जो है म्यूज़िक चेंज कर सकते हैं, बोल आप रहे हैं या फिर कुछ कोई वीडियो है उसके उसका वॉइस जो है साउंड की वजह से। बहुत बार ऐसा होता है कि आपने नया कंटेंट बनाया किसी डांस शो पर, बट वो सॉन्ग आपका कंटेंट वीडियो सब नया है, बट उसका वीडियो जो है सॉन्ग जो है वो कॉपीराइटेड शो कर देता है सॉन्ग की वजह से केवल। तो ऐसा सिचुएशन में वीडियो रहता है बट सॉन्ग चेंज करना पड़ता है, वैसा सॉन्ग जो कि कॉपीराइटेड क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस से रिलेटेड हो, तो वैसे वीडियो खोजने में बहुत टाइम लग जाता है। तो उसी किसी क्रिएट जो ऑप्शन है इसके थ्रू आप उसको खोज कर उसका बैकग्राउंड का सॉन्ग चेंज करके आप अपलोड कर सकते हैं, जो कि फुल्ली विजिबल होगा, उस पर पैसा बन सकता है, बनेगा, मोनिटाइज होगा, कोई क्लेम नहीं आएगा। तो ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और भी बहुत सारे यूट्यूब्स में फीचर्स हैं जिसके बारे में आपको बताता रहूँगा इस सारे सीरीज़ में, इसलिए पूरी सीरीज़ को कम्प्लीट देखें तो आपको आगे की सारी वीडियो मतलब कैसे कैसे ए टू जेड आपको समझ में आएगा। और अगर आपकी आपको कोई सजेशन देना हो या कोई क्वेश्चन या कुछ भी इस टॉपिक पर कन्वर्सेशन करना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको इसका रिप्लाई ज़रूर करूंगा। और अगर कोई सवाल हो तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। एंड अगर अब तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और हाँ अब तक अगर आप तक हम आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस हमेशा लाता रहता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।